ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस एंड कार से रिलेटेड कंपैरिजन रिव्यूज़ वीडियोस के लिए हमारे चैनल एसवी कार पोर्टल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसवी कार पोर्टल में। एंड आज की ये वीडियो होने वाली कंपैरिजन वीडियो। एंड इस कंपैरिजन वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी की, यानी टाटा की कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन और महिंद्रा की कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सयूवी 300। तो इन दोनों के ही आज हम पेट्रोल मॉडल्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, देखने वाले कि आपको कौन सी लेनी चाहिए, यानी कंक्लूजन विच इज़ बेस्ट टू बाय। तो आज हम इन दोनों ही कार्स की प्राइसिंग, फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एडिशनल फीचर्स, एडवांस सेफ्टी फीचर्स, आखिरी में हम कंक्लूजन की बात करेंगे। तो वॉच द वीडियो टिल एंड, वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो आपको इन दोनों ही कार्स को लेने से पहले कोई भी कन्फ्यूजन रहा है तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके सबसे पहले पॉइंट की, यानी वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग। तो हमने जो टाटा नेक्सॉन का वेरिएंट लिया है वो एग्जैक्ट वेरिएंट, जिसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 8.69 लाख एक्स शोरूम दिल्ली देखने मिल जाती है। वहीं महिंद्रा एक्सयूवी 300 की बात करूँ तो W6 वेरिएंट लिया है, जिसकी प्राइसिंग 9.15 लाख एक्स शोरूम दिल्ली देखने मिल जाती है। हमें बात करने वाला है इनके इंजन एंड परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको टाटा नेक्सॉन में 1.2 लीटर टर्बोचार्ज रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन देखने मिलता है, जो कि 1199 cc का है और 118.3 bhp 5500 rpm पे जनरेट करता है 17 km पर लीटर के माइलेज के साथ। वहीं बात करने वाला हूँ मैं महिंद्रा एक्सयूवी 300 के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे भी आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देखने मिलता है, जो कि 1197 cc का है और 108.6 bhp 5000 rpm पे जनरेट करता है 17 km पर लीटर के ARAI माइलेज के साथ। तो चलिए बात कर ली हम लोगों ने इनके इंजन परफॉर्मेंस की, अब आ जाते हैं हम लोग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के ऊपर। दोनों ही कार्स में आपको पावर स्टीयरिंग, ऑल फोर पावर विंडोज, रिमोट ट्रंक ओपनर आपको महिंद्रा एक्सयूवी में देखने मिल जाता है, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, एक्सेसरी पावर आउटलेट आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं, रियर रीडिंग लैंप आपको महिंद्रा एक्सयूवी में देखने मिलती है, वहीं रियर सीट हेडरेस्ट आपको दोनों में ही देखने मिल जाते हैं, वहीं एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नेक्सॉन में देखने मिलते हैं, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, कप होल्डर्स एंड आपको रेयर एसी वेंट्स जो है टाटा नेक्सॉन में देखने मिलेंगे। एक्सयूवी 300 में यह फंक्शन अवेलेबल नहीं है। वहीं मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आपको दोनों में ही देखने मिल जाता है, नेविगेशन सिस्टम दोनों में ही देखने मिल जाता है, रेयर पार्किंग सेंसर्स आपको नेक्सॉन में देखने मिलता है, एक्सयूवी 300 में अवेलेबल नहीं है, रेयर फोल्डेबल सीट एंड बॉटल होल्डर आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं, वहीं कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको नेक्सॉन में देखने मिलता है, एक्सयूवी 300 में अवेलेबल नहीं है, USB चार्जर आपको दोनों में ही देखने मिल जाता है, वहीं सेंटर आर्मरेस्ट आपको विद स्टोरेज एक्सयूवी 300 में देखने मिलेगा, नेक्सॉन में अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर मैं एडिशनल फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको टाटा नेक्सॉन में अम्ब्रेला होल्डर फ्रंट डोर्स में देखने मिल जाएगा, वॉलेट होल्डर, कार्ड होल्डर और रेयर पार्सल शेल्फ देखने मिल जाएगी। वहीं कोई भी ऐसे एडिशनल यूटिलिटी स्पेस आपको एक्सयूवी 300 में देखने नहीं मिलते हैं। वहीं आपको एयर कंडीशनिंग, हीटर और एडजस्टेबल स्टेयरिंग दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। वहीं एक एडिशनल फीचर आपको नेक्सॉन में देखने मिलेगा वो है ड्राइव मोड्स। तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट सिटी एंड इको मोड देखने मिल जाता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आपको माइलेज इंक्रीज करना है या फिर अच्छी आपको थोड़ा स्पोर्टी ड्राइव करना है या फिर सिटी, यानी दोनों का ही मिक्स। तो थ्री मोड्स सिर्फ और सिर्फ टाटा नेक्सॉन में देखने मिलते हैं, महिंद्रा एक्सयूवी में अवेलेबल नहीं है। वहीं अब मैं बात करने वाला हूँ इनके सेफ्टी फीचर्स की। तो दोनों ही कार्स में आप ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, पावर डोर लॉक्स आपको टाटा नेक्सॉन में देखने मिलेंगे, वहीं डुअल एयरबैग्स दोनों ही कार्स में दिए हुए हैं। आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, सीट बेल्ट वार्निंग, रेयर सीट बेल्ट, एडजस्टेबल सीट्स दोनों ही कार्स में देखने मिल जाती हैं। वहीं आपको इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर जैसे फीचर भी दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी दोनों में ही दिया हुआ है। हमें बात करने वाला एडवांस सेफ्टी फीचर्स की। तो टाटा नेक्सॉन में आपको सिर्फ हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट देखने मिलता है, वहीं महिंद्रा एक्सयूवी 300 में काफी सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स देखने मिलते हैं, यानी एडवांस सेफ्टी फीचर जैसे कि पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, हेड इंट्रूशन बीम, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर को ड्राइवर, पैसेंजर एयरबैग,
डीएक्टिवेशन, ब्लू सेंस ऐप स्विच, टायर पोजीशन, डिस्प्ले इंक्लूड स्मार्ट स्टेयरिंग सिस्टम जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट। इतने सारे फीचर्स आपको देखने मिल जाते हैं एक्सयूवी 300 में। वहीं फॉलोमी हेडलैम्प आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। टाटा नेक्सॉन में आपको रेयर कैमरा देखने मिल जाएगा जो कि एक्सयूवी में अवेलेबल नहीं है। एंटी थेफ्ट डिवाइस दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। वहीं स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक आपको एक्सयूवी 300 में ही देखने मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट्स एंड ये दोनों फीचर है आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। वहीं हिल असिस्ट आपको नेक्सॉन में देखने मिलेगा। इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक भी आपको एक्सयूवी 300 में देखने मिल जाता है। अब मैं बात करने वाला हूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो कि इंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन के फैक्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में ही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है एंड दोनों में ही आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। बात करने वाला हूँ मैं नंबर ऑफ स्पीकर्स की, तो यहाँ पे आपको नेक्सॉन में 4 स्पीकर्स के साथ साथ 4 ट्विटर्स यानी 8 स्पीकर्स टोटल मिलते हैं। वहीं महिंद्रा एक्सयूवी 300 में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 स्पीकर्स दिए हुए हैं। वहीं मैं बात करने वाला हूँ दोनों ही सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कॉम्पेटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ टाटा नेक्सॉन में देखने मिलती है। महिंद्रा एक्सयूवी में आपको ब्लूटूथ या फिर ऑक्स या फिर यूएसबी से कनेक्ट आप इसे कर सकते हैं। वहीं मैं बात करने वाला हूँ सिस्टम के एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको कॉनेक्ट नेक 6.5 फ्लोटिंग डैशटॉप सिस्टम जो है हरमन गार्डन की तरफ से देखने मिल जाता है, क्योंकि आईपॉड कनेक्टिविटी, सेगमेंट ड्राइवर, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डिस्प्ले, इमेज एंड वीडियो प्लेबैक के फीचर्स अवेलेबल करता है। वहीं महिंद्रा एक्सयूवी में ऐसा कोई भी सिस्टम इतना एडवांस सेफ्टी एडवांस फीचर्स आपको अवेलेबल नहीं कराता। वहीं हमें बात करने वाला हूँ नेक्स्ट पॉइंट यानी स्पेसिफिकेशन, डायमेंशन एंड कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपको लेंथ की बात करूँ तो महिंद्रा एक्सयूवी की लेंथ आपको 3995 mm देखने मिल जाएगी। वहीं टाटा नेक्सॉन की 3993 mm देखने मिल जाती है। विड्थ की बात करूँ तो 1821 mm की विड्थ आपको एक्सयूवी में देखने मिलेगी। 1811 mm की विड्थ आपको नेक्सॉन में देखने मिल जाती है। 1627 mm की हाइट आपको एक्सयूवी में देखने मिलेगी। वहीं 1606 mm की हाइट आपको नेक्सॉन में देखने मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको एक्सयूवी 300 में देखने मिलेगा। वहीं 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको नेक्सॉन में देखने मिल जाता है। व्हील बेस की बात करूँ तो 2600 mm की व्हील बेस आपको एक्सयूवी में देखने मिलेगी। वहीं 2498 mm की व्हील बेस आपको नेक्सॉन में देखने मिल जाती है। अब मैं बात करने वाला हूँ इनके बूट स्पेस की, तो यहाँ पे आपको 259 लीटर का बूट स्पेस एक्सयूवी में देखने मिल जाता है। वहीं 350 लीटर का बूट स्पेस आपको नेक्सॉन में देखने मिल जाता है। एंड अब मैं बात करने वाला हूँ टायर साइज की, तो दोनों ही एसयूवीज में आपको 16 इंच के व्हील्स देखने मिल जाते हैं, जो कि टायर साइज की बात करूँ तो 195/60 R16 आपको नेक्सॉन में देखने मिलेंगे। वहीं 205/65 R16 आपको एक्सयूवी में देखने मिल जाते हैं। तो बात करने वाला ब्रॉडर एंड थोड़े से डायमीटर में लंबे टायर की, तो वो आपको एक्सयूवी में देखने मिल जाता है, जो कि ब्रेकिंग एंड ग्रिप में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। एंड बात कर लेता हूँ दोनों ही टायर्स की, तो आपको अलॉय व्हील्स नेक्सॉन में देखने मिल जाते हैं। वहीं एक्सयूवी 300 में आपको व्हील कैप्स विद स्टील रिम्स देखने मिल जाते हैं। हम लोग कंक्लूजन के ऊपर की विच इज बेस्ट टू बाय, तो यहाँ दोनों ही कार्स काफी ज्यादा बढ़िया हैं एंड नो डाउट दोनों में ही अच्छे खासे लोडेड फीचर्स दिए हुए हैं, टन ऑफ लोडेड फीचर्स हैं एंड थोड़े बहुत फीचर्स के साथ जो है नेक्सॉन थोड़ी सी आगे है। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक फन टू ड्राइव कार चाहिए, फीचर लोडेड कार चाहिए, सेफ कार चाहिए एंड वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए, तो वो यहाँ पे टाटा नेक्सॉन होने वाली है। क्योंकि मैं महिंद्रा एक्सयूवी 300 के फैंस को डिफेम नहीं कर रहा, या ऑफेंड मत हो जाइएगा, डिसलाइक मत कर दीजिएगा वीडियो, पूरा रीजन सुन लीजिए, क्योंकि टाटा नेक्सॉन एक वैल्यू फॉर मनी कार आ रही है एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस ये सीधा सीधा इससे 50,000 से 60,000 महंगी है एंड इसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी नहीं है। टाटा नेक्सॉन में आपको सबसे पहले अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स मिल रहा है, 5 out of 5 star रेटिंग मिली हुई, जो कि नेक्सॉन को भी, जो कि महिंद्रा एक्सयूवी को भी मिली हुई है, वो नो डाउट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेफ कार हैं। बट कुछ फीचर्स जैसे कि यहाँ पे आपको हरमन गार्डन का सिस्टम देखने मिलता है विच टन ऑफ लोडेड फीचर्स, 8 स्पीकर जिनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि आपको आफ्टर मार्केट स्पीकर्स लगवाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं महिंद्रा एक्सयूवी 300 की बात करूँ तो नॉर्मल सिस्टम आपको महिंद्रा की तरफ से मिलता है, जो कि 4 स्पीकर्स के साथ आता है एंड इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है कि ये टाटा नेक्सॉन के साथ कॉम्पीट कर पाए। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे आपको स्पेशियस कार चाहिए तो वो टाटा नेक्सॉन होने वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको 350 लीटर का बूट स्पेस विद यूटिलिटी स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं एंड स्पेशियस कार है, आपको स्पेस की कमी नहीं लगेगी। वहीं महिंद्रा एक्सयूवी 300 में यूटिलिटी स्पेसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम है और साथ ही साथ बूट स्पेस भी कम दिया हुआ है व्हील बेस बड़े होने के कारण, व्हील बेस बड़ा कर दिया उसके बावजूद इसका बूट स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा एज कम्पेयर टू टाटा नेक्सॉन। एंड बात करने वाला हूँ दोनों ही कार्स की, तो आपको दोनों ही कार्स में से मेरे सजेशन के हिसाब से टाटा नेक्सॉन एग्जैक्ट वेरिएंट पर जाना चाहते ऑल दोज पॉइंट्स, तो आप इन दोनों ही कार्स को जब भी ले रहे हैं या फिर इन दोनों को लेना चाहते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को आप जो है ध्यान में रखिए।
तो ये थी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। एंड बात करते हैं दोनों ही कार्स की, तो दोनों ही कार्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पर देखने मिल जाएगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके वहां पे भी चेकआउट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड देखते रहिए SV कार पोर्टल।